तो जो द वर्ल्ड फेडरेशन उस टाइम पे यूज़ नहीं किया गया वहाँ पे बट दो इंडियन यूनियन थी वो इसके फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड थी ठीक है क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जब स्टार्टिंग पे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जैसे भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन होने की वजह से उस टाइम पे हमें यह भी डर था कि हम जिन जो अलग अलग स्टेट्स को अपने साथ मिला रहे हैं तो उनको जो पावर हम देना चाहते हैं तो पावर हमें इस तरीके की देनी थी कि भाई ना तो ज्यादा हो कि भाई वो अलग स्टेट की अपनी डिमांड अलग कंट्री की डिमांड करने लग जाएं और ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो क्योंकि ज्यादा होंगी तो उन कंट्रोल उनके हाथ में चलाया जाएगा कम होगी तो वो वैसे नाराज होकर अलग हो जाएंगे तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था हमें कि भाई बीच का रास्ता निकालना पड़े तो इसमें थ्री टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे आपके सेंट्रल स्टेट एंड लोकल 1991 के अराउंड जो आपके जो आया कि भाई सेंट्रल स्टेट और लोकल जो पंचायती राज भी आया था आपका उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी में आगे तो उसमें आपका सेंट्रल स्टेट और तीन जो लेवल आपके बनाए उनमें अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई ईस्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओमन जुरडी सेक्शन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन तो हर एक के पास अपना अपना जो है जूरडी था कि भाई अलग अलग पावर्स जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी अब उसमें हम देखते हैं कि हमने जो है तीन लिस्ट बना दी अकॉर्डिंगली ठीक है मेनली तीन लिस्ट बनाई उस टाइम पे हमने कि भाई पहली तो बनाई हमने यूनियन लिस्ट उसमें हमने पावर इंस्टीट्यूट की जो सेंटर से कि इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इनकम इसमें हमने तीन लिस्ट बना के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कैसे यूनियन में हमने कौन सी डाली जो नेशनल इंपॉर्टेंस की थी ठीक है जिसमें पूरे राष्ट्र का हित होता था तो उसमें जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सच एज डिफेंस फॉरन अफेयर बैंकिंग करेंसी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा तो अब डिफेंस तो पूरे देश का एक ही होगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ही कंट्रोल करेगी तो इसमें उसमें किसी अन्य स्टेट की जरूरत नहीं होती हमें फॉरन अफेयर uh, भी दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे जो है रिलेशन uh, होने चाहिए आपके फिर बैंकिंग भी सारे देश में एक जैसी बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए आपका करेंसी भी कम्युनिकेशन भी ओके आफ्टर दैट स्टेट लिस्ट अब स्टेट के लिए हमने कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए मायने रखते हैं जो चीजें वो हमने यहाँ पे डाल दी जिसमें क्या जैसे पुलिस ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट अलोन बीइंग लॉज ऑन है तो जो पुलिस होती है हर एक स्टेट की अलग अलग है अब हरियाणा हरियाणा पुलिस की हरियाणा पुलिस पंजाब की पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस तो हर एक की अलग अलग पुलिस ट्रेड हर एक का व्यापार अलग अलग है और कॉमर्स की भी चीज़ें भी उसमें एग्रीकल्चर और इरीगेशन से रिलेटेड फैसिलिटी क्योंकि हर एक स्टेट की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती हैं और और भी चीज़ें अलग अलग होती हैं कल्चर फैक्टर भी अलग होते हैं तो उसके लिए जो है आपकी अलग अलग जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं तो इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलोन खुद ही स्टेट गवर्नमेंट खुद ही उनके ऊपर लोन बनाती है आफ्टर दैट लास्ट में हमने इसमें लिस्ट बनाई फिर थर्ड लिस्ट बनाई हमने दोनों टॉपिक के के uh, थे, थे उनको डाल दिया सच एज एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन मैरिज्शन एक्सेट्रा तो अब एजुकेशन भी दोनों गवर्नमेंट के एक जैसे ही है ना सारे देश में एक जैसा एजुकेशन सिस्टम होगा तो तभी बेटर uh, और फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी, भी सारे देश में एक जैसी मायने रखता है तो पूरे देश के लिए ट्रेड यूनियन मैरिज और अडोप्शन की जो नीति है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरे देश के कॉमन uh, इंटरेस्ट के हैं दोनों स्टेट और यूनियन के लिए तो बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट तो बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है कानून बना सकती है केस ऑफ कंफ्लिक्ट

आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड सच एज आई टी टेक्नोलॉजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन देम तो लास्ट में हमने क्या किया क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में होंगी तो उन लोगों ने ऐसा सोच के कि जो चीज़ें आज नहीं है लेकिन जो हमारा संविधान बन जाएगा उसके बाद जो चीजें आएंगी उनके लिए जो है आपका ये वाली एक फाइनल रेजिडरी सब्जेक्ट के लिए जो है लिस्ट बना दी एक फाइनल उसमें उन सब्जेक्ट को डाल दिया जैसे कि आपका जो आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर डाला गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब नाउ एज इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अब अलग अलग स्टेट्स को जो है हमने इकट्ठे जोड़ के रखा हुआ है तो उसमें जो है इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाएगा जो हमने अपने टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन फेडरलिज्म पढ़ा था उसमें तो अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट ठीक है जैसे स्पेशल पावर हमने इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या कर रखा है कि भी जैसे होता है ना अभी एक घर में दो तीन दो चार बच्चे हैं और एक आधा बच्चा जो है ज्यादा जिद जिद करने लग जाए तो किसी को ज्यादा खिलौने दे दिए जाते हैं किसी को जो एक आधे कम में मान जाए तो उसको कम दे दिए जाते हैं तो उसी तरीके से कुछ अन, 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 अनिक्वल पावर्स जो हैं स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जिसमें जैसे कि जे एंड के हेडिट्स ओमन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर अभी आपका था जो पहले थोड़े तो उसमें क्या था उसको जो है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था अलग फ्लैग था और अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे तो वो चीज़ें उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस स्टेट को उसी उससे अलग फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं वो इसको इसको नहीं दी गई है अभी जैसे आपका दिल्ली में सी एम आपका जो अरविंद केजरीवाल है उसके पास जो है पुलिस का कंट्रोल नहीं है ठीक है पुलिस जैसी जो पावर है जो स्टेट के पास होती है वो उनके पास नहीं है आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट को चलाती है यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है स्पेशल पावर होती है इन यूनियन टेरिटरीज वाले एरिया को चलाने के लिए आफ्टर दैट पावर शेयरिंग अरेजमेंट इज द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूशन दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज इजिली एनी चेंज टू इट हैज बी पास बायथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी देन इट हैज बी रेडिफाइड बाई द लेजिस्लेटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट तो पावर शेयरिंग अरेजमेंट जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कि जो अरेजमेंट इसमें पावर शेयरिंग वाली कैसे बनाई गई है कि ईजिल चेंज नहीं हो सकती अगर कोई इसको चेंज करना चाहता है तो इसको जो आपके दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर वहां पर उनको एटलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेज में उनको वोट के साथ जीतना पड़ेगा तभी वहाँ पे चेंज करें चेंज किया जाएगा और उसके बाद जो है उसको रेडिफाइड किया जाएगा लेज, लेजिस्लेचर में ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लचर उनमें हाफ से ज्यादा जो जब वोट मिलेंगे स्टेट्स की तो उसके बाद उसको रेडिफाइड किया जाएगा तो जुडिशियरी टे, टे, टेक्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट अब और भी अगर इसके बाद भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है फिर आपकी जुडिशियरी आ जाती है जो न्याय न्यायिक न्यायालय होता है आपका उच्च न्यायालय वो चीज़ें फिर इसमें आपका फाइनल डिसीजन लेती हैं थैंक यू सो मच